नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष द्विवेदी। आज 17 फरवरी करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स देखिए, पीआईबी रिलीजेस ज़्यादा थे नहीं, इसलिए मैंने चार एडिटोरियल्स को शॉर्टलिस्ट किया है। ये एडिटोरियल्स हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट तीनों से हैं और इन चार एडिटोरियल्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और देखिए, इन एडिटोरियल्स को शॉर्टलिस्ट करते वक्त मैंने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, कुछ एडिटोरियल्स ऐसे होते हैं न्यूज़पेपर में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं और ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने पहले ऐसा किया था, फिर बाद में ऐसा किया, इस पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा किया तो वैसा किया। वो हमारे काम के हैं नहीं। मैं सिर्फ उन चार एडिटोरियल्स को आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत ध्यान देने के बाद मैंने चार एडिटोरियल्स शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिससे मुझे लगता है कि आपको सच में कुछ फ़ायदा हो सकता है, कुछ आपको इससे नॉलेज मिल सकती है। तो जो सबसे पहला एडिटोरियल मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज 17 फरवरी में, वो है कि ये जो फॉर एवर प्रेजिडेंट ऑन इजिप्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, ये एक आर्टिकल छपा है आज द हिंदू में। तो इसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे। इसमें हुआ ये है कि अभी अभी एक प्रपोजल आया है कि जो इजिप्ट का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसमें कुछ अमेंडमेंट किए जाएंगे और उस अमेंडमेंट के थ्रू ये कहा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंशियल टर्म है उसको बढ़ाया जाएगा। प्लस ये बोला जा रहा है कि जो अभी के प्रेसिडेंट, रेनिंग प्रेसिडेंट है ना, जैसे अब्दुल फतेह अल सीसी, वो अभी प्रेसिडेंट है इजिप्ट के, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो 2034 तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं अगर इन अमेंडमेंट्स को अप्रूवल मिल गया। तो इस तरीके की बातें हो रही हैं। और ये जो अब्दुल फतेह अल सीसी थे, ये डिफेंस मिनिस्टर थे जब 2013 में एक मिलिट्री कूप के थ्रू इन्होंने मोहम्मद मोरसी, जो कि पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के, उनको हटा दिया था। तो ये पूरी कहानी क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके साथ साथ ये जो अभी प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, उसमें एक क्लॉज और रखा गया है, एक प्रोविजन और रखा गया है, जिसके चलते ये कहा गया है कि मिलिट्री को एक पॉलिटिकल रोल दिया जाएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड कर सके। आप देखिए, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करने की बात आती है, किसी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट में तीन ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। यहाँ पे हो ये रहा है कि जो ये प्रेसिडेंट है इजिप्ट के, जो एग्जीक्यूटिव में आएंगे, उनके पास लेजिस्लेचर का ज़बरदस्त सपोर्ट है, प्लस जुडिशियल पावर्स पे इन्होंने यहाँ पे अपना दबदबा बनाने की कोशिश की है। कैसे की है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो अमेंडमेंट्स प्रपोज हुए हैं, इसको वहाँ के पार्लियामेंट्री वोट ने अप्रूवल दे दिया है। कुछ दिन बाद एक पार्लियामेंट्री वोट और उस पर होगा और एक रेफरेंडम होगा लोगों का। पर कहा जा रहा है कि अभी प्रेजेंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है कि वो इस रेफरेंडम को अप्रूव करा लेगी। ये रेफरेंडम डायरेक्ट लोग करेंगे। आगे देखते हैं, इसका बैकग्राउंड देखते हैं, तब आपको हल्का फुल्का समझ में आएगा। देखिए, आपको पता है फ्रेंड्स कि 2010 के टाइम पे एक अरब स्प्रिंग आया था और उस अरब स्प्रिंग के टाइम पे हुआ ये कि अफ्रीका और ये जो आपका वेस्ट एशिया की जो काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो ऑटोक्रेट्स थे, जो डिक्टेटर्स थे, उनके रूल को चैलेंज किया लोगों ने। जैसे सद्दाम हुसैन थे, तुनिसिया में हुआ था, शुरू हुआ था ये। तो इस जगह के जो ऑटोक्रेट्स थे ना, लोगों ने उनके खिलाफ एक रेवोल्यूशन छेड़ दिया। तो एक ऐसा ही प्रोटेस्ट तहरीर स्क्वायर में हुआ था जो कि इजिप्ट में है, तो इसको बोला जाता है 2011 तहरीर स्क्वायर मास प्रोटेस्ट। लगभग एक साल चले थे, तो 2010 के टाइम पे शुरू हुए थे, 2011 में ख़त्म हो गए थे। और उस समय पे जो ऑटोक्रेटिक रूल था ना होजनी मुबारक का, जो 3 डेकेड से राज कर रहा था इजिप्ट पे, वो ऑटोक्रेटिक रूल ख़त्म हो गया। अब 3 डेकेड्स मतलब लगभग 30 साल तक राज किया इस होजनी मुबारक ने इजिप्ट में। और जब होजनी मुबारक, ऐसा हुआ था कि 2005 के टाइम पे ये बात कही गई कि इजिप्ट में एक मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। उस समय पे रूलिंग कौन था, होजनी मुबारक था। बट होजनी मुबारक ने अपने आप को फिर 5वें टर्म के लिए इलेक्ट कराया। वो इलेक्शन नाम का था, उसको ही इलेक्ट होना था, सबको पता था, क्योंकि वो एक तरीके का वर्किंग ऑटोक्रेट था। और होजनी मुबारक ने साफ साफ बोला 2005 के बाद कि भाई मैं आपका राजा हूँ और मैं प्रेसिडेंट रहूंगा आपका अपने पूरे जीवन काल में, यानी जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आपका प्रेसिडेंट रहने वाला हूं। उसके बाद भी कुछ कोशिश हुई कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स को इजिप्ट में लाया जाए, बट वो पॉसिबल हो नहीं पाया, वो बस नाम के एफर्ट्स थे। तो जब ये पूरा तहरीर स्क्वायर प्रोटेस्ट हुए और उसके एंड में होजनी मुबारक को उखाड़ के बाहर फेंका गया, उसके बाद
पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई जिसके हेड थे प्रेसिडेंट मोहम्मद मोरसी। इसको मुस्लिम ब्रदरहुड गवर्नमेंट भी कहा जाता है। अब ये मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है ये मैं अभी आपको इतने छोटे से समय में नहीं समझा सकता। आगे चलते हैं, अगर इसके बारे में आप जानना तो थोड़ा नेट से करिए, कभी और कभी टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर समझाऊंगा। फिर ये जो होस्नी मुबारक के अंदर जो मुस्लिम ब्रदरहुड की गवर्नमेंट आई इसके अगेंस्ट भी बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे, मास प्रोटेस्ट होने लगे इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी। तो 2013 में इसी होस्नी मुबारक की गवर्नमेंट में जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो थे आपके एल सी सी, अब्दुल फतेह एल सी सी, और इनकी आर्मी में मिलिट्री में ज़बरदस्त पकड़ थी। तो उन्होंने एक मिलिट्री कूप किया और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ये जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद मोरसी इनको उखाड़ फेंका और खुद उनकी जगह पे आ गए। और जो इनका ऑफिशियल टर्म एज अ प्रेसिडेंट शुरू हुआ था, जो ये एल सी सी थे अब्दुल फतेह एल सी सी, वो 2014 में शुरू हुआ था और 2014 में ही एक कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोमोलगेट हुआ था इजिप्ट का, ठीक है। लेकिन जब से एल सी सी ने उखाड़ के फेंका है पहले के प्रेसिडेंट, पहले डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे जो मोहम्मद मोरसी, तब से जो सीसी है ना उन्होंने ज़बरदस्त क्रैकडाउन किया है डिसेंट पे, अपोजिशन पे। देखिए डेमोक्रेसी अगर आप किसी भी कंट्री को बनाते हो तो डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक सिद्धांत ये है कि लोगों के पास बोलने की फ्रीडम है और लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अपने व्यू पॉइंट पर रख सकते हैं। जैसे अगर आप इंडिया की बात करिए तो इंडिया डेमोक्रेसी है और मोस्ट पोटेंट डेमोक्रेसी है इस समय पे। कहा जाता है कि यूएस इससे अच्छी है, बट अब उस चीज़ में हम नहीं जा रहे हैं। जैसे कि इंडिया में आप फॉर एग्जांपल देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अब आप मोदी जी के गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को आप ओपनली क्रिटिसाइज कर सकते हो, उसके खिलाफ आप कंस्ट्रक्टिव डिबेट कर सकते हो, आप ये डिमांड कर सकते हो कि इनके खिलाफ एक करप्शन चार्ज चलाया जाना चाहिए, इन्होंने कुछ गलती करी है, तो इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। लेकिन आप मोदी जी को खड़े होकर सड़क पर गालियाँ नहीं दे सकते क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, एक डिग्निटरी हैं कंट्री के। लेकिन हाँ, आप उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हो, उनके ऑफिशियल एक्शंस को क्रिटिसाइज कर सकते हो, और अगर आप वो पर्सनल लाइफ में उन्होंने कुछ गलत किया है तो आप उस चीज़ को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट खड़े होकर आप सड़क पर गालियाँ नहीं दे सकते। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि आप बीच सड़क में खड़े होकर किसी लीडर को गाली दे रहे हो, ये भी नहीं होता है, ठीक है। इंडिया में यही हो रहा है कि बीच सड़क में खड़े होकर लोग गालियाँ देने लगते हैं दूसरे को, वो नहीं, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए सबका। तो इंडिया में तो ये है डेमोक्रेसी, बट यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही एलसीसी राज में आए उन्होंने ज़बरदस्त क्रैकडाउन शुरू किया डिसेंट के अगेंस्ट में। फिर ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड था जिसके लीडर थे मोहम्मद मोरसी, तो मुस्लिम ब्रदरहुड के इस्लामिस्ट का ज़बरदस्त तरीके से अरेस्ट शुरू हुआ, ठीक है। फिर जो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स दूसरे थे उनका अरेस्ट शुरू किया, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ में लोगों को अरेस्ट किया गया। लेकिन हालांकि इजिप्ट अभी अपने मीडिया में और इंटरनेशनली बोलता है कि हमारे पास कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं है। उसके बाद 2011 तहरीर मास जो प्रोसेस हुए थे स्कायर के, उसके बाद मीडिया और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी बहुत तेज़ी से उठ रहे थे, उस मीडिया और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को भी दबाया है सीसीजी की गवर्नमेंट ने, ऐसा बोला जाता है। अच्छा एक बात और है, जो डेमोक्रेसी है ना उसका एक बहुत बड़ा पिलर होता है मीडिया। मीडिया क्या होता है कि चीज़ों को लोगों के सामने लेके आता है और बहुत स्ट्रांग पावर होती है मीडिया की। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट फतेह अब्दुल सीसी को पता है कि अगर मुझे राज करना है तो मीडिया को एक लिमिट से ज़्यादा पावर मैं नहीं दे सकता हूँ, तो कहा जाता है कि उन्होंने मीडिया को भी दबाया है। और 2018 में देखिए जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट का जो प्रेजेंट टर्म है वो 4 साल का, उस पर मैं अभी आ रहा हूँ। तो 2014 से 2018 तक तो राज किया सीसीजी ने, 2018 में फिर से इलेक्शंस हुए, बट उस इलेक्शन में भी सीसीजी जीत गए। लेकिन कहा जा रहा है कि उस इलेक्शन में 6 कंटेंडर्स थे जो अब्दुल फतेह अल सीसी के, उनको या तो जेल में डाल दिया गया या वो खुद ड्रॉप आउट कर गए। यानी कि जो मेन कॉम्पिटिटर्स थे प्रेसिडेंट फतेह अब्दुल अल सीसी के, वो इलेक्शन लड़ ही नहीं पाए, या तो उन्हें जेल में डाल दिया गया या फिर वो खुद ही इलेक्शन से ड्रॉप आउट कर गए। तो आप समझ लीजिए कि अब्दुल फतेह एल सी सी ने अपना कंपटीशन ही खत्म कर दिया, तो काहे बात की डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो रही नहीं ना, उनका कोई कंपटीशन ही नहीं था, जो कंपटीशन था तगड़ा उनको उन्होंने इलेक्शन में आने ही नहीं दिया। तो एक तरीके से यहाँ पे डेमोक्रेसी के सिद्धांतों का खनन हुआ है, उनको वायलेट किया गया है। फिर देखिए इजिप्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 2014 में, वो ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि भाई जो प्रेसिडेंट होंगे इजिप्ट रिपब्लिक के वो 4 साल तक रहेंगे एक टर्म में, और एक प्रेसिडेंट एक ही बार रीइलेक्ट हो सकता है, यानी एक प्रेसिडेंट 2 टर्म्स कर सकता है, यानी कि
चार और चार आठ, तो 2014 से 18 आपके एलसीसी प्रेसिडेंट रह चुके हैं और 2018 में इलेक्ट हो गए हैं, तो उनको 2022 तक रहना है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अभी बोलता है। लेकिन अभी जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है, उन अमेंडमेंट्स में क्या बोला गया है, उन अमेंडमेंट से बोला गया है कि जो 4 साल का टर्म है प्रेसिडेंट का, इसको 4 से 6 करा जाए। यानी अब आगे जो प्रेसिडेंट बनेगा वो 4 की बजाय 6 साल तक प्रेसिडेंट रह सकता है। प्लस ये जो 2 टर्म की लिमिट थी ना, वो मानी जाएगी कि हाँ भाई 2 टर्म ही तक एक पर्सन प्रेसिडेंट रह सकता है। लेकिन एक ट्रांजिशनल आर्टिकल डाला गया है और वहां का एक न्यूज़पेपर है मादा मसर, उसने बोला है कि इस ट्रांजिशनल आर्टिकल के चलते जो अभी के इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, उनको अभी के 2 टर्म्स को हटा के 2 एडिशनल टर्म्स मिलने का मौका कहा जा रहा है। यानी अभी अभी जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से अभी जो प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी का जो टर्म 2022 तक चलना है, उसके बाद 2 टर्म शुरू होंगे इनके, जो अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है अल सीसी जी के। यानी कि देखा जाए तो 2-6 साल के टर्म वो अभी और कर पाएंगे अगर अभी के जो अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं अगर वो पास हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब्दुल फतेह अल सीसी 2014 से 18 रहे, फिर 18 से 22 तो अभी हैं, 22 से 28 और 28 से 34 भी रह सकते हैं, क्योंकि प्रपोज्ड अमेंडमेंट के हिसाब से 6 साल का टर्म हो जाएगा और जो प्रेजेंट प्रेजिडेंट हैं वो 2 और टर्म्स कर सकते हैं अभी के प्रेजेंट इनकम्बेंट चेंजेस के हिसाब से। उसके बाद ये जो अभी अमेंडमेंट्स अप्रूव किए जा रहे हैं जिनको अभी रेफरेंडम कराना बाकी है, हालांकि पार्लियामेंट में उन्हें पास कर लिया गया है वहां की, तो इन अमेंडमेंट्स के हिसाब से प्रेसिडेंट की जो पावर है वो जुडिशरी के ऊपर भी बहुत बढ़ जाएगी और प्रेसिडेंट के पास वो पावर आ जाएगी कि वो अपॉइंट कर सकते हैं हेड ऑफ सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ इजिप्ट, प्रोसिक्यूटर जनरल को अपॉइंट कर सकते हैं और दूसरी जो सीनियर पोजीशन है उनको अपॉइंट कर सकते हैं। अब देखिए, जुडिशरी बहुत बड़ी चीज़ होती है डेमोक्रेसी में, क्योंकि जुडिशरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की पावर को चेक करता है। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर के ऊपर तो उनका कंट्रोल है, अब उनके कंट्रोल को चेक करने वाला एक ही इंस्टीट्यूशन है, वो है जुडिशरी, और यहाँ पे वो अपने आप को जुडिशियल पावर्स भी बहुत सारी दे रहे हैं, जुडिशरी के ऊपर एक तरीके का वो कंट्रोल ले रहे हैं। तो ये इससे ह्यूमन राइट्स ग्रुप जो वहाँ पे हैं, जो वहाँ के ये जो कहते हैं ना कि उनके वहाँ के जो NGOs हैं वो थोड़े से परेशान हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। वहाँ की ह्यूमन राइट्स ग्रुप कह रहे हैं कि एक एग्जीक्यूटिव एक पर्सन के पास अगर इतनी ज़्यादा पावर कंसंट्रेशन हो जाएगा तो डेमोक्रेसी तो किसी तरह से भी नहीं रह पाएगी। प्लस ये जो अभी के इजिप्टियन प्रेसिडेंट हैं, ये थोड़े से डिप्लोमेट टाइप के हैं, बहुत ज़बरदस्त दिमाग वाले पर्सन हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। इन्होंने क्या किया है कि अमेरिकन और रशियन गवर्नमेंट्स के साथ एक अच्छे रिश्ते बना के रखे हैं, ठीक है ना, और इतने अच्छे रिश्ते हैं इनके अमेरिकन और रशियन गवर्नमेंट्स के साथ, तो इनकी गवर्नमेंट जितने भी एक्सेसेस कर रही है, ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन कर रही है, अमेरिका और रशिया की गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे ही नहीं रही है। देखिए, सद्दाम हुसैन को उखाड़ के फेंका गया, उसमें एक बहुत बड़ा रोल था यूएसए का। अगर यूएसए बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं देता तो शायद सद्दाम हुसैन को उखाड़ के नहीं फेंका जा सकता होता है। तो क्या होता है कि जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और जो इंटरनेशनल बिग पावर्स हैं, जैसे कि आपका ये हो गया, यूएसए हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, जब ये चाहती है ना, तब किसी भी एक कंट्री में ये तरखाट मचा सकती हैं, वहाँ पे एक रेवोल्यूशन को वो इनिशिएट कर सकती हैं। बट यहाँ पे प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी ने रशिया के साथ भी अच्छे रिश्ते बना के रखे हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे रिश्ते बना के रखे हैं, और उन्होंने चाइना के साथ भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना के रखी है। तो चाइना का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अच्छी खासी इकॉनमी चल रही है, बिजनेस हो रहा है, और चाइना को तो सिद्धांत है कि वो ट्रेड और इकोनॉमी को मैटर देता है और ज़्यादा उनके डोमेस्टिक अफेयर्स में चाइना इंटरफेयर नहीं करता है, हैंड्स ऑफ अप्रोच रखता है वो पॉलिटिकली। तो इससे भी इजिप्ट के इन प्रेसिडेंट को बड़ा फायदा है। तो अब ना यूएसए, ना रशिया और ना ही चाइना आपके इजिप्ट के इंटरनल रिलेशंस में घुस रहा है, तो इससे इनको और ताकत मिल गई है। तो ये हैं आपके अब्दुल फतेह अल सीसी, बहुत ही ज़बरदस्त दिमाग वाले पर्सन हैं, लेकिन ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी वजह से यूथ्स में बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्रोध है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही वहाँ इजिप्ट में, प्लस डिसेंट के लिए कोई स्कोप नहीं, कोई भी इनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहा है, तो इससे लोग बहुत नाराज हैं। और देखिए, जब डेमोक्रेसी प्रॉपर नहीं होती है ना, तब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दब जाती हैं। इंडिया में आप देखिए फ्रेंड्स, नीचे से लोग ऊपर उठ के आए हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी, एक टाइम पे वो चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री है। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स बहुत नीचे से उठ के ऊपर उठे हैं इंडिया में, जैसे मायावती जी एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे लोग हैं। वो क्यों ऊपर उठ पाए? क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी,
एक डेमोक्रेसी होने के नाते इंडिया यहाँ के सिटीजन्स को ये लेवरेज देती है कि वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड के हैं, वो उठ के सबसे ऊपर पहुंच सकते हैं इंडिया में। लेकिन इजिप्ट में ये एक्चुअली दबाया जा रहा है। अगर एक पर्सन गद्दी पे जम के बैठ जाएगा और अपने हिसाब से सब कुछ करेगा, तो नीचे के लोगों को ऊपर आने का मौका नहीं मिलेगा। अब आगे क्या होता है इसको हम देखेंगे। फिर अभी एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल पे आ जाते हैं। पहला आर्टिकल थोड़ा लंबा खींच गया। लाइव मिंट में एक आर्टिकल छपा है कि एयर पॉल्यूशन पे इंडिया किस तरीके से कैटल कर रहा है, क्या अटैक कर रहा है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर ये जो आपका लाइव मिंट का ओपिनियन है, ये देखिए फ्रेंड्स, बात ये है कि हमारे देश में पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत तेजी से ऊपर उठ रही है। बहुत सालों से उस पर कुछ करने की कोशिश की जा रही है, बट ठीक तरीके से कुछ हो नहीं पा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी कि भाई एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल मेज़र हमारे सामने आए, जिससे इस प्रॉब्लम को और अच्छे तरीके से डील किया जा सके, जिसके लिए जनवरी 2019 में एक नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी लेके आई गई। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैंने जनवरी 10 जनवरी के लगभग ये वीडियो को अपलोड किया था। अब खास बात यह है कि अभी कहा जा रहा है कि बहुत ज़बरदस्त अर्जेंसी है। इंडिया की जो सिटीज़ है ना, उनमें जो पॉल्यूशन लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इसको लीड कौन कर रहा है? हमारी खुद की राजधानी दिल्ली। तो कहा जा रहा है कि भैया इस एयर पॉल्यूशन को साफ करने की ज़रूरत है। तो ये जो नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी आई है, इसने प्रॉपर रोड मैप तैयार किया है कि कैसे इंडियन सिटीज़ को अगले 5 साल में ठीक तरीके से साफ किया जाएगा। अब बात ये है फ्रेंड्स कि हमारे देश में ना एयर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए प्लानों की कमी नहीं है, ज़बरदस्त प्लान्स हैं, ठीक है, कभी भी प्लान्स की कोई कमी नहीं रही है। लेकिन ये जो आपका नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी है, इसका अटेम्प्ट क्या है कि सारे प्लानों को मिला के आप एक सिंगल स्ट्रैटेजी बनाइए, और उस सिंगल स्ट्रैटेजी का एक सिंगल एम होगा कि 102 सिटीज़ में एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। और ये 102 सिटीज़ कौन सी सिटीज़ हैं? इनको बोला जाता है नॉन अटेनमेंट सिटीज़। अब सवाल आता है कि नॉन अटेनमेंट का ये जो एब्जेक्टिव है, ये सिटीज़ को कब दिया जाता है? तो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ तब बोला जाता है सिटीज़ को, अगर वो सिटीज़ कंसिस्टेंटली नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाती हैं, और उनके यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM10 यानी पर्टिकुलर मैटर 10 का जो कंसंट्रेशन है पिछले 5 सालों में, वो एक लेवल से हमेशा ऊपर रहा है या ज़्यादातर वो खराब रहा है। तो अगर इन मिनिमम हेल्थ सेंटर्स को ये सिटी अगर नहीं मीट कर पाती हैं, तो फिर उनको बोला जाएगा नॉन अटेनमेंट सिटी। और इस नेशनल क्लियर एयर पॉलिसी का यही पे खास एक जो एम है, वो एम ये है कि भाई इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में चीज़ों को ठीक किया जाए। खास बात ये है इस पॉलिसी की, नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी की, कि इसको भले ही इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया हो, लेकिन इसमें इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का भी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का भी होगा, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का भी होगा, हैवी इंडस्ट्री का भी होगा, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का भी होगा, एग्रीकल्चर, हेल्थ, सबका होगा। यहाँ नहीं, यहाँ पे सारी मिनिस्ट्रीज को डायरेक्टली इन्वॉल्व किया गया है, ताकि जो इंटर कोऑर्डिनेशन है इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, वो प्रॉपर तरीके से लगे। फिर नीति आयोग का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किया गया है, थिंक टैंक है नीति आयोग, इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। फिर द पॉल्यूशन से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फिर एकेडमिया, इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी, हर तरीके से एक कंसोलिडेटेड एफर्ट लाने को कहा गया है, जिससे इस पॉल्यूशन को कंट्रोल में लाया जा सके। बहुत सारे मल्टीलेटरल और बायोलेटरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी पिचिन किया जाएगा, फिलेंथ्रॉपिक फाउंडेशन जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो दूसरे फाउंडेशन से जो डायरेक्टली फंड करते हैं ये पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए, और दूसरे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस जो हमको स्मार्ट तरीके बता सकेंगे, टेक्निकल तरीके बता सकेंगे, टैक्टिक्स बता सकेंगे कि एयर पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए, सबको पिचिन किया जाएगा, ऐसा बोला गया है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि भले ही अभी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले सारे स्टेप्स बहुत सालों से लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक कंसोलिडेटेड उनको किया नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई है। अब ज़्यादातर प्रॉब्लम इस वजह से भी आ रही है कि फ्रेंड्स, जो ग्लोबल रिपोर्ट्स आती है ना एयर पॉल्यूशन पे, उसमें जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं। और वो जो स्टैटिस्टिक्स दिए जाते हैं,
उनको बिना इंडियन पॉल्यूश मतलब जो इंडिया में पॉल्यूशन है उसका इंडियन पॉपुलेशन पे क्या एग्जैक्टली इफेक्ट है, उस पर बिना प्रॉपर स्टडी किए ही वो फैक्ट्स मार्केट में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लैंसेट करके एक मेडिकल जर्नल है, उसने दिसंबर 2018 में बोला कि 2017 में लगभग 12 लाख डेथ एयर पॉल्यूशन की वजह से हुई। तो इसकी वजह से एक हफड़ा तफरी मच गई कि यार एक साल में 12 लाख लोग केवल एयर पॉल्यूशन की वजह से मर जा रहे हैं। फिर एक और रिपोर्ट आई थी 2015 में ब्लूमबर्ग की, उस रिपोर्ट ने बोला था फ्रेंड्स, उस रिपोर्ट ने कहा था कि जब यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा इंडिया आए थे ना, तो 2015 की विजिट पे जब वो इंडिया आए थे, कुछ दिन के लिए वो इंडिया में रहे थे, लेकिन उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी के 6 घंटे कम हो गए थे। यानी नई दिल्ली में उस समय पॉल्यूशन इतना ज़्यादा था यार कि वो नई दिल्ली की हवा को सूंघने की वजह से ही, अपने कुछ दिन की विजिट की वजह से उनकी ज़िंदगी के 6 घंटे कम हो गए। तो इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही थी, और इस तरीके की रिपोर्ट्स हमारी इंटरनेशनल इमेज को बहुत कम करती हैं। और इसका नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है फ्रेंड्स? इसका नेचुरल रिस्पॉन्स ये आएगा कि भाई जब इस तरीके की खबरें उठेंगी कि हाँ भाई प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आए, उनकी ज़िंदगी 6 घंटे कम हो गए, 12 लाख लोग मर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के बीच में एक अफरा तफरी मच गई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत सारे टाउन्स और सिटीज़ में जहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन रिपोर्ट किया गया था, वहाँ बहुत सारे मॉनिटरिंग स्टेशन बना दिए गवर्नमेंट ने। अब ऑब्वियसली उन मॉनिटरिंग स्टेशन का काम क्या होगा कि वे एयर क्वालिटी को रेगुलरली मेजर करें। और फिर एक चीज़ आई, एयर क्वालिटी इंडेक्स, और उस एयर क्वालिटी इंडेक्स को ऑनलाइन किया जाने लगा ताकि लोगों को अलर्ट किया जा सके कि भाई वहाँ पे जहाँ पे वो हैं वहाँ पे एयर क्वालिटी कैसी है। और फिर एयर क्वालिटी को 5 हेड्स में, 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। जो सबसे खतरनाक है वो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, उससे थोड़ा कम सीवियर, उससे थोड़ा कम वेरी पुअर, उससे थोड़ा कम पुअर, उससे कम मॉडरेट। तो ये 5 कैटेगरीज बनाई गई और एयर क्वालिटी इंडेक्स को हर जगह नापा जाएगा, और फिर बताया जाएगा कि भाई उस एयर की क्या हालत है, और वो लोगों को बताया जाएगा ताकि लोग उस हिसाब से अपने एक्शंस को ले सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। तो नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी में कुछ और चीज़ें और बताई गई हैं जो कहा जा रहा है कि सच में काफ़ी इफेक्ट डाल सकती हैं। जैसे कि नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी ने मीडिया के रोल को आउटलाइन किया है। नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी बोलती है कि भाई मीडिया बहुत इन्फ्लुएंशियल है पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ को उठाने के लिए। जब आप देखते हैं कि सर्दी के टाइम पे दिल्ली की जो हवा है और बाकी सिटीज़ की हवा जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो उसको रेगुलर मीडिया कवरेज देते हैं। उस रेगुलर मीडिया कवरेज के चलते लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है और लोग एयर पॉल्यूशन मास्क को पहनने लगते हैं। तो क्या होता है कि मीडिया टाइम टाइम पे लोगों को ये रिमाइंड कराता रहता है कि उनके पास में एक प्रॉपर प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम से उनको डील करना है। तो वो जो लोग हैं ना, वो भी उसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। तो ये जो मीडिया अटेंशन है ना, वो इस एयर पॉल्यूशन से लड़ने में बहुत मदद कर रहा है, और पब्लिक स्क्रूटनी को लेके आ रहा है इस एयर पॉल्यूशन के केस में, और ऑब्वियसली बात है पॉलिसी मेकर्स पे भी प्रेशर डाल रहा है। फिर गवर्नमेंट ने साथ साथ रिकॉग्नाइज किया है कि देखिए अभी तक जो भी स्टेप्स लिए गए हैं उससे हल्का फुल्का भले ही एयर पॉल्यूशन कम हुआ हो, लेकिन वो स्टेप्स इनफ नहीं है इस एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। अभी भी सिग्निफिकेंट और बहुत ज़बरदस्त लेवल पे बहुत सारे टाइम बाउंड और एफिशिएंट इनिशिएटिव्स और चाहिए ताकि इस एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को हल्का फुल्का कम किया जा सके। और एक क्लियर टारगेट रखा गया है इसके अंदर कि 2030 तक पर्टिकुलेट मैटर 10 और 2.5 के लेवल को 30% तक कम किया जाएगा 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज में। यानी ये जो 102 सिटीज हैं जहां पे एयर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है, वहां पे 2030 तक आप 2024 तक आप पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 के लेवल को 30% तक कम करेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बोली है इस ओपिनियन में, ये कही गई है कि भाई ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, ये हमेशा से प्रॉब्लम रही है। इस पॉलिसी के पास कोई लीगली बाइंडिंग चीज़ नहीं है, यानी कि इसने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे या नीति आयोग पे या इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री पे कोई एक लीगली बाइंडिंग क्लॉज लगाया हो कि इतना तो आपको करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं लगाया है। भले ही इस पॉलिसी में 3 टायर मैकेनिज्म रखा गया है, और 3 टायर मैकेनिज्म क्या रखा गया है इनिशियल क्लीन एयर पॉलिसी में? मॉनिटरिंग, असेसमेंट, इंस्पेक्शन। मॉनिटरिंग होगी, उसका असेसमेंट होगा, उसका इंस्पेक्शन होगा, उसके लिए ट्रेंड मैन पावर किया जाएगा, रेगुलर इंस्पेक्शन कराए जाएंगे, देखा जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि उसका स्ट्रिंजेंट इंप्लीमेंटेशन हो। बट टाइम बाउंड लीगली बाइंडिंग, टाइम बाउंड तो रखा गया पर उसको लीगली बाइंडिंग नहीं रखा गया। लीगली बाइंडिंग में क्या हो जाता है कि अगर आप टारगेट्स मीट नहीं करोगे आपके ऊपर
कह सकते हैं पेनाल्टी लगाई जाएगी, बट ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं रखी गई। तो नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल होने वाली है ये केवल समय ही बता सकता है। अगला आर्टिकल जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फ्रेंड्स, वो ये जो जम्मू एंड कश्मीर और ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान, देखिए अभी पुलवामा अटैक हुआ है, तो पुलवामा अटैक के चलते बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो उसमें एक आर्टिकल लिखा है, ये निरुपमा राय जी ने लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में। तो इसमें उन्होंने थोड़ा बहुत बैकग्राउंड के बारे में बात की है कि क्या क्या हो रहा है। तो इसमें हम थोड़ा बहुत देखते हैं, ये निरुपमा राय जी के आप निरुपमा सॉरी निरुपमा सुब्रमण्यम जी हैं ये, नॉट राय, आई एम सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, निरुपमा सुब्रमण्यम जी हैं ये इंडियन एक्सप्रेस की। तो ये बोलती हैं कि 2008 में, मैं इनका आर्टिकल देखिए, इसको एक स्टोरी की तरह सुनिए, जब आप इस चीज़ को एक स्टोरी की तरह सुनोगे ना आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। और इसमें कोई नोट्स वोट्स मैंने नहीं बनाया क्योंकि ये एक ओपिनियन है और आप निरुपमा सुब्रमण्यम जी ने लिखा है तो आप कह सकते हो कि उनका पर्सनल ओपिनियन है, तो बहुत दिल से नहीं लेना है इस चीज़ को, तो ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी की तरह सुनिएगा, मज़ा आएगा। निरुपमा वोरा जी का कहना है कि 2008 में जब यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे थे तो उस समय बराक ओबामा जी, जो उस समय पे एक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी थे कि हाँ भाई ये इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, उन्होंने बोला है कि अगर आपको अफगानिस्तान में पीस लाना है तो उसका रास्ता कश्मीर से जाता है। तो जब ये बात बराक ओबामा जी ने बोली तो उसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। फिर बाद में जब प्रेसिडेंट बने ओबामा जी तो उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट पे जारी रहते हुए, अपने स्टेटमेंट पर अड़े रहते हुए, उन्होंने एक स्पेशल इन्वॉय अपॉइंट किया इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए। इस स्पेशल इन्वॉय का नाम था रिचर्ड हुलब्रुक, लेकिन इंडिया ने सीधे सीधे इस स्पेशल इन्वॉय से अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि इंडिया कभी नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में रख के बात की जाए। देखिए अफगानिस्तान तो बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है, पाकिस्तान एक तरीके से आप कह सकते हो कि मिलिट्रली ही आगे है, बाकी किसी चीज़ में वो आगे नहीं है, और इंडिया हमेशा से चाहता था कि वो इस ग्रुप में काउंट ना हो, और उसने अपने आप को सक्सेसफुली इस ग्रुप से अलग कर लिया। अब सवाल ये आता है कि ये जो ग्रुप है फ्रेंड्स, जैश ए मोहम्मद करके, ये जो कश्मीरी यूथ है इसको इन्फ्लुएंस करने में इस ग्रुप जैश ए मोहम्मद का बहुत बड़ा हाथ था। और ये जो जैश ए मोहम्मद है, ये जो ग्रुप है, ये जो तालिबान, अभी आप देख रहे हो कि फ्रेंड्स तालिबान और यूएस फोर्सेस के बीच में काफ़ी बात चल रही है, एक तरीके से नेगोशिएशन हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अब ये जो तालिबान है ये यूएस फोर्सेस से जीत गया है, यूएस फोर्सेस घुटने टेक रही है तालिबान के सामने। तो कहा जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद के जो कैडर्स हैं ना, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई है इस टाइम पे, और ये जो यूएस तालिबान का जो इंगेजमेंट है इसके चलते अब जैश ए मोहम्मद को लग रहा है कि वो भी इंडिया को हरा सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, इनके बीच में हमेशा से कुछ ना कुछ कांटेक्ट रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब कितना कांटेक्ट रहा है कितना नहीं रहा है, ये बोला गया कि जैश ए मोहम्मद और तालिबान के बीच में जो लिंक्स हैं बहुत वेल नोन है। ये कहा जा रहा है कि जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 1267 सैंक्शंस आए थे ना, और जब जैश ए मोहम्मद को उसके अंदर लाने की बात कही गई थी, तब ये बोला गया था कि जैश ए मोहम्मद फाइनेंशियली प्लानिंग करके प्रिपेयर करके तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, उसामा बिन लादेन को सपोर्ट कर रहा है, अलकायदा को सपोर्ट कर रहा है। तो सिंस 2001 ये बातें उठ रही हैं कि जैश ए मोहम्मद आपका अलकायदा के फेवर में रहा है, तालिबान के फेवर में रहा है, और काफ़ी बार जैश ए मोहम्मद को तालिबान से बहुत सारी मदद भी मिली है। अब आपको ये एक बात पता है फ्रेंड्स कि जैश ए मोहम्मद में एक पर्सन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है मौलाना मसूद अजहर, और मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने की बहुत कोशिश की इंडिया ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, लेकिन उस प्रपोजल को हमेशा चाइना ने वीटो कर दिया, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है ये जैश ए मोहम्मद कश्मीर वैली में, 2000 में लगभग ये कश्मीर वैली में एक्टिव हो गया था, तब से बहुत सारे अटैक्स ये कश्मीर वैली में कर चुका है। 2001 में जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के ऊपर भी एक सुसाइड अटैक करने की कोशिश हुई थी, फिर हुआ ये कि
आपका 9/11 का इंसिडेंट हो गया यूएस में, और जब 9/11 का इंसिडेंट हो गया यूएस में तो यूएस ने ज़बरदस्त प्रेशर डाला पाकिस्तान आर्मी पे कि आप जैश ए मोहम्मद को सपोर्ट मत करिए, और कुछ समय के लिए जैश ए मोहम्मद के पास से पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट चला गया। और जब ऐसा हुआ ना तो जैश ए मोहम्मद ने पलट कर पाकिस्तान पर वॉर किया, दो बार उनके मिलिट्री रूलर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को असैसिनेट करने की कोशिश की गई। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग आपस में भी दोस्ती नहीं निभा पाते हैं, कभी ना कभी एक ऐसी सिचुएशंस आ गई जब ये आपस में भी लड़ने लगे। फिर 2015 के बाद कह रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से री एंट्री की है कश्मीर वैली में, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से जैश ए मोहम्मद का जो होल्ड है वो कश्मीर वैली में बढ़ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अफजल गुरु को हैंग कर दिया गया 2012 में, ठीक है। फिर एक हिजबुल मुजाहिदीन का मिलिटेंट था बुरहान वानी, उसको 2016 ने मार गिराया गया था। तो कहा जा रहा है कि 2016 में जब इस बुरहान वानी को मार दिया गया तो उसके बाद जैश ए मोहम्मद का जो फुट होल्ड था ना कश्मीर वैली में वो बहुत तेज़ी से बढ़ा। उसको मौका मिल गया कि कश्मीर में वो कश्मीर के लोगों को वो अपने आप में मिला सके। और अभी जब तालिबान और यूएस के बीच में ये नेगोशिएशंस चल रहे हैं कि यूएस छोड़ कर चला जाएगा अफगानिस्तान को, तो तालिबान कैडर्स के जो कॉन्फिडेंस है बहुत हाई है, तो आप ये कह सकते हो कि जैश ए मोहम्मद का भी कॉन्फिडेंस इस समय पे ज़बरदस्त हाई चल रहा है। अब बात ये आ रही है फ्रेंड्स कि इंडिया के खिलाफ ये अटैक तो कर दिया है जैश ए मोहम्मद ने, अब इंडिया रिटेलिएट किस तरीके से करे। तो हमारे पॉलिटिशियंस और जो बात चल रही ना लोगों के अंदर गुस्सा है कि भाई आप रिटेलिएट करो, अब देखिए इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैश ए मोहम्मद ने ली है, और जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तान गवर्नमेंट का सपोर्ट है, आर्मी का सपोर्ट है, ISI का सपोर्ट है, सब लोग ये बोलते हैं। किस लेवल तक है, किस हद तक है, ये नहीं बोला जा सकता। अब हमारे पॉलिटिशियंस ने सीधे सीधे बोल दिया, देखिए ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ आपको ये निरुपमा सुब्रमण्यम जी का व्यू पॉइंट है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो हमारे पॉलिटिशियंस ने, मोदी जी ने कहा कि हम ज़बरदस्त तरीके से इसका बदला लेंगे, सब कुछ करेंगे, हम पलटवार करेंगे, लेकिन निरुपमा जी का बोलना है कि ये जो पलटवार करने की आप बात बोल रहे हो ना इसके बहुत वर्स्ट कंसीक्वेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब आप हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ना 2016 में फ्रेंड्स, तो उस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने पलट के वार नहीं किया, और पाकिस्तान ने बोल दिया कि ऐसी कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे की थी ना कि पाकिस्तान की मिलिट्री पे, तो पाकिस्तान ने उसको सीधे सीधे डिनाई कर दिया। अभी इंडिया किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा और उसके पीछे क्या रिस्पॉन्स आ सकता है अपोजिट पार्टी का, पाकिस्तान मिलिट्री का, या फिर इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, ये अभी किसी को भी पता नहीं है, ठीक है। तो किस तरीके से इंडिया इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करने वाला है, किस तरीके से वो काउंटर अटैक करने वाला है, ये चीज़ अभी देखना बाकी है। हालांकि निरुपमा जी का ये कहना है कि अगर आपको कुछ बहुत सॉलिड करना है तो आपको एक ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है ना इसके आगे जाके करना पड़ेगा, यानी सर्जिकल स्ट्राइक से थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। अब अगर सर्जिकल स्ट्राइक से आप थोड़ा ज़्यादा करोगे तो इससे एक रिस्क ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान मिलिट्रली रिस्पॉन्ड कर सकता है और एक वॉर टाइप सिचुएशन आ सकती है जो कि किसी के भी फेवर में नहीं है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स ये बोला गया है कि इसी तरीके का एक अटैक जो अभी पुलवामा में हुआ है अवंतीपुरा के पास, एक ऐसा ही अटैक ईरान की सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस के बॉर्डर के पास है, वहाँ पे भी ऐसा हुआ कि एक कार एक्सप्लोजिव से भरी हुई थी और उसने एक कहते ना कि एक बॉम्ब ब्लास्ट किया जिसके चक्कर में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स जो कि ईरान का है उसके 27 ट्रूप्स ख़त्म हो गए, ठीक है। तो इसमें कोई एक जैश अल अदल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो वो एंटी ईरान जुंदुल्ला ग्रुप का है। तो यहाँ पे ईरान ने भी बोला है कि ये जो आपका JUA जैश अल अदल ग्रुप है इसके खिलाफ पाकिस्तान कुछ एक्शंस ले, ऐसा बोला है। और ईरान ने कहा है कि US स्पॉन्सर्ड है और सऊदी अरेबिया ने भी इसमें ईरान के खिलाफ ये चीज़ करवाई है, तो उस तरीके की काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। तो एक ऐसा ही अटैक ईरान में भी हो गया और एक ऐसा ही अटैक साइमल्टेनियसली इंडिया में भी हो गया। इंडिया की प्रॉब्लम्स जैश ए मोहम्मद से रिलेटेड हैं। अभी जो मसूद अजहर है इनको बचाने की ले रिस्पॉन्सिबल अब तक चाइना है, ठीक है। चाइना हमेशा उसको वीटो से बचा लेता है जब भी उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 रेजोल्यूशन के अंदर लाने की बात की जाती है और उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करने की बात करी जाती है। अभी बात ये है फ्रेंड्स कि देखिए
इस पुलवामा अटैक को जिसने किया है वो कश्मीर का ही एक स्टूडेंट था, बंदा था वो, ठीक है, जिसने भी इस अटैक को किया है। तो आप समझ लीजिए कि अब ये ऑर्गेनाइजेशंस कश्मीर के लोगों को मोटिवेट करने में सक्सेसफुल रहे हैं, आप ये बोल सकते हो, क्योंकि जिसने उस एसयूवी को हमारे कॉन्वॉय से भिड़ाया था वो एक कश्मीरी यूथ था। तो आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं, किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं, ये कोई भी बता नहीं पा रहा है इस टाइम पे, चाहे क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल चली गई हैं। इस तरीके का डिस्टार्डली अटैक हुआ है, अब ये डिस्टार्डली अटैक पे इंडिया शांत नहीं बैठ सकता है, क्योंकि इंडिया को फिर कमज़ोर माना जाएगा। अब इंडिया रिस्पॉन्ड भी इंडिया को बहुत कैलकुलेटेड स्टेप से करना है, चूँकि वॉर नहीं शुरू करना है हमको, तो गवर्नमेंट किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी ये सिर्फ समय ही बता पाएगा। फिर हम आखिरी में आ जाते हैं फ्रेंड्स, एक और आर्टिकल है एडिटोरियल का, स्ट्रेस पॉइंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपका फ्रेंड्स है द हिंदू का आर्टिकल, इसको एम के नारायण जी ने लिखा है। ये फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और फॉर्मर गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल में। तो इन्होंने कुछ जो पॉइंट्स बोले हैं उन पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इनका ये कहना है कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी कम हो रही है। इनका ये बोलना है कि डेमोक्रेसी नीचे की तरफ जा रही है और ऑटोक्रेसी डिक्टेटरशिप थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ आ रही है। इसके लिए इन्होंने बहुत से एग्जाम्पल्स कोट किए हैं। इन्होंने रशिया के व्लादिमीर पुतिन जी की बात की है, चाइना की जी जिनपिंग जी की बात की है, टर्की के रसेप तैयब अर्डोगन जी की बात की है, और कहा है कि ये सारे लीडर्स कुछ हद तक ऑथोरिटेरियनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, ये थोड़े से ऑटोक्रेट टाइप के हैं। और ये बात तो पता है फ्रेंड, देखिए रशिया के लीडर जो आपके व्लादिमीर पुतिन हैं ये बहुत ही स्ट्रांग लीडर हैं, चाइना की जी जिनपिंग है, ये जो बोल देते हैं वो हो ही जाता है इनकी कंट्री में, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी नहीं हो पाता है इनकी बातों के खिलाफ इनकी कंट्रीज़ में। तो इस तरीके की बात कही गई कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इंटरनेशनली दबाया जा रहा है। फिर उन्होंने वर्ल्ड कप का एग्जाम्पल लिया, वर्ल्ड बैंक का एग्जाम्पल लिया। उन्होंने बोला कि देखिए वर्ल्ड बैंक भी कुछ बोलता है तो लोग उसको मानते नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक जब भी किसी से, आज की डेट में वर्ल्ड बैंक को भी दबाया जा रहा है, पावरफुल मेंबर्स चाह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक उनके हिसाब से काम करे। फिर उन्होंने यूएस का एग्जाम्पल लेके डोनाल्ड ट्रंप की बात की, ठीक है, इन्होंने बोला कि यूएस सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन आप वहाँ देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जी क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से कोई भी आर्बिट्ररी डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, मैक्सिको पे बॉर्डर बना रहे हैं, जबकि उनकी खुद की पार्टी के लोग और डेमोक्रेट पार्टी के लोग चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ ना हो, पर वो तब भी नहीं मान रहे हैं। फिर यूएस ने अभी अभी 1987 की एक ट्रीटी है जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, INF ट्रीटी जिसे बोलते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, उससे सिंगल हैंडेडली विड्रॉ कर लिया, जबकि वो ट्रीटी कोल्ड वार को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल ट्रीटी मानी जाती है। उस ट्रीटी ने इतने दिन तक यूरोपियन सिक्योरिटी को गारंटी किया है, उसको सिंगल हैंडेडली ट्रंप जी ने विड्रॉ कर लिया, ये ट्रंप ने बहुत गलत किया। फिर ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, यूरोपियन मेंबर्स नहीं चाह रहे थे कि न्यूक्लियर डील ख़त्म हो, पर यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप जी ने उसे विड्रॉ कर लिया। तो ये सारी चीज़ें से ये मिस्टर नारायण जी ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक कन्वेंशंस धीरे धीरे हट रहे हैं, और फिर वो सीधे सीधे इन डेमोक्रेटिक कन्वेंशंस को हटाने वाली जो चीज़ है उसको इंडिया के कंटेक्स्ट में लेके आए हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में वो बता रहे हैं कि कैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ एक्यूजेशंस डाल रहे हैं। अभी आपने देखा कि वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, ज़बरदस्त बवाल हो गया वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वहाँ की चीफ मिनिस्टर धरने पर बैठ गई, एक तरीके से स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट वाली वहाँ पर सिचुएशन आ गई थी। तो जो सेंटर स्टेट रिलेशंस जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का एक बहुत बेसिक फैब्रिक है वो वहाँ पे एक तरीके से टूटने सा लगा, ये सब बात होने लगी। फिर जो आपका रूलिंग पार्टी है वो अपोजिशन, वो रफाल एयरक्राफ्ट की डील पे पागलों की तरह लड़ रहे हैं, तो इस चीज़ को उन्होंने उठा के बताया है। फिर जो अभी की गवर्नमेंट है वो भी डेमोक्रेटिक कन्वेंशंस को दबा रही है, ऐसा इनका कहना है। कैसे दबा रही है, हुआ ये कि फ्रेंड्स अभी नेशनल स्टैटिस्टिकल मेंबर्स के कुछ दो मेंबर्स ने रिज़ाइन कर दिया था। हुआ ये था कि एक अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे वाली रिपोर्ट थी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की, उसने बोला था कि 2017-18 में जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा है। उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने पब्लिश नहीं किया, गवर्नमेंट ने बोला कि ये तो ड्राफ्ट रिपोर्ट है। अब इनका बोलना है कि भले ही ड्राफ्ट रिपोर्ट है, जब प्रॉपर उसका सर्वे हो चुका है, जब वो रिपोर्ट आ चुकी है तो आप उसको पब्लिश करिए। आप पब्लिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप अपने गवर्नमेंट की वीक पॉइंट्स को नहीं दिखाना चाहते हैं। तो ये बात उन्होंने गलत बोली है, डेमोक्रेटिक कन्वेंशंस के हिसाब से रिपोर्ट पब्लिश होनी चाहिए, बट यहाँ गवर्नमेंट अपने हिसाब से सब कुछ कर रही है। तो ये एक पॉइंट उठाया उन्होंने, और इस बेसिस पे जो रिवाइज्ड GDP एस्टिमेट्स आए गवर्नमेंट पे उस पे भी उंगली उठाई है एमके नारायण जी ने कि जो गवर्नमेंट है इसने जो इन्होंने जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो रिपोर्ट थी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की
उसको नहीं रिलीज़ किया है, और उसके बाद ये जो जीडीपी के रिवाइज एस्टिमेट जिसको रिलीज़ किए जा रहे हैं इनकी क्या वैलिडिटी है, इस बात पे भी शक उठाया इन्होंने। ठीक है, फिर बहुत सारी और चीज़ें हो रही हैं फ्रेंड्स, जिसके चलते अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट पे एंटी डेमोक्रेटिक होने के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। जैसे अभी आपको पता था हमारे आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल जी ने रिज़ाइन कर दिया, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उठी कि भाई इन्होंने रिज़ाइन क्यों किया। फिर कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट चाह रही थी कि आरबीआई गवर्नमेंट के हिसाब से काम करे, और वो गवर्नर गवर्नमेंट के हिसाब से काम करना नहीं चाह रहे थे। हालांकि मिस्टर उर्जित पटेल जी ने रिज़ाइन करते हुए बोला था कि वो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से रिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सबको समझ में आया और इसके बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस निकाले गए। इस पर मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताई थी कि आरबीआई अपना सारा प्रॉफिट गवर्नमेंट को देता है उसका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद, लेकिन उससे पैसा गवर्नमेंट पहले ही ले रही है। ठीक है, तो और फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंजेस होते हैं वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से करवा रही है, तो आरबीआई के काम को भी अंडरमाइन कर रही है गवर्नमेंट, ऐसा बोला जा रहा है। फिर अभी इंटरिम बजट आया है, और इंटरिम बजट के कुछ कन्वेंशंस होते हैं फ्रेंड्स, उन किसी भी कन्वेंशंस को ऑनर नहीं किया गवर्नमेंट ने। देखिए, इंटरिम बजट के टाइम पे प्रेजेंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कोई भी मेजर अनाउंसमेंट नहीं करेगी, ठीक है, मेजर पॉलिसी प्रपोजल नहीं लेके आएगी, लेकिन इस बार का जो इंटरिम बजट 2019 का दिया है गवर्नमेंट ने, उसने किसी कन्वेंशन को नहीं माना। उन्होंने फुल फ्लेज जबरदस्त वाला बजट दिया है जो कि एक रेगुलर बजट की तरह हो गया है। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को वायलेट किया है गवर्नमेंट ने, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो आई फ्रेंड्स सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो उनके डायरेक्टर थे आलोक वर्मा जी, और जो स्पेशल डायरेक्टर अपॉइंट किए गए थे 2017 में राकेश अस्थाना। अभी अस्थाना जी के बीच में और आलोक वर्मा जी के बीच में एक प्रॉपर जंग सी छिड़ गई, और उस जंग के चक्कर में सीबीआई की इतनी इमेज खराब हुई है ना, उस एक तरीके से कैट फाइट हो गई थी सीबीआई के डायरेक्टर में और जो उसके बाद उसके नीचे स्पेशल डायरेक्टर था, इन दोनों के बीच में। और इसमें बहुत सारी बातें हो रही थी कि आलोक वर्मा जी कांग्रेस के सपोर्टर थे, वो अस्थाना जी बीजेपी के सपोर्टर थे, और फाइनली क्या हुआ कि आलोक वर्मा जी को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी एंड में। तो ये एक तरीके की फाइट हो रही थी सीबीआई में। अब सीबीआई को प्रीमियर एजेंसी बोला जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के मामले में, और यहाँ पे सीबीआई के ही दो चीफ आपस में लड़ रहे हैं पागलों की तरह, और एंड में फाइनली आलोक वर्मा जी को अपनी कुर्सी को छोड़ना ही पड़ा। तो इस तरीके की बहुत सारी बातों को उठा के मिस्टर नारायण जी ने बोला है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी को इंडिया में दबाया जा रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने आपको सिर्फ एक स्टोरी के फॉर्म में आपके सामने लेके आया हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, जो व्यू पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं पसंद आए हों, आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग को कुछ इन्हेंस किया हो इन व्यू पॉइंट्स ने। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स के थ्रू आप मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।